हाय एवरीवन, आर्या टीचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश आर्या, हाजिर हूं आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन क्लास लेकर। आज के इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन को समझने के पहले मैं बताना चाहूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किन किन केसेज में प्राप्त होते हैं और सॉल्यूशन या रूट्स या जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ इस टॉपिक को समझने के पहले जरूरी है कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को एक बार इन शॉर्ट रिकॉल करें, जिसको हमने प्रीवियस इंट्रोडक्शन क्लास में ब्रीफ में डिस्कशन किया था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसे निश्चित से वॉच कर सकते हैं। तो देखिए, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने बताया था कि एनी रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो हमने बताया था कि कोई भी रियल नंबर अल्फा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की रूट्स कहलाएगी यदि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अर्थात किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उपलब्ध वेरिएबल की कोई पार्टिकुलर रियल नंबर वैल्यू किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कहलाएगा यदि वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अर्थात अगर अल्फा कोई रियल नंबर है और वो रियल नंबर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स कहलाएगी तब जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो वेरिएबल्स हैं उस वेरिएबल की जगह पे वेरिएबल एक्स है उस वेरिएबल एक्स की जगह पे अल्फा को रखने से पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाए। तो यहां से हमने इस कंसेप्ट से जो कंक्लूजन निकाला था वो ये निकाला था, कंक्लूजन जो निकाला था वो ये था कि पहला, इफ अल्फा इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसमें कहा कि अल्फा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स तब कहलाएगा जब ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम मान लें कि अल्फा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, यानी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इस स्टेटमेंट से? पहला ये निकलता है कि अगर अल्फा, यदि अल्फा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूट्स है, तो पहला एक्स इज इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाइज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर अल्फा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूट्स है तो निश्चित रूप से एक्स इज इक्वल टू अल्फा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा, अगर अल्फा रूट्स है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और निश्चित रूप से वही एक्स इज इक्वल टू अल्फा जो है इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फा अगर गिवन पार्टी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है तो निश्चित रूप से x इक्वल टू अल्फा क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। और तीसरा हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि सॉल्यूशन और रूट्स और ये क्या है जीरोस आर द आर सेम फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन या रूट्स या जीरोस क्या होती है, सेम होती है, यानी कि तीनों एक ही चीज है, सेम इन द एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम लोग देखें कि जो रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन। तो अब जो सॉल्यूशन है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो हम लोग किन किन मेथड से फाइंड आउट करते हैं। तो पहला मेथड जो कि एक्सरसाइज 4.2 में समझना है वो है सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके उसके सॉल्यूशन को फाइंड करना। तो इसके लिए हम लोग जो मेथड अप्लाई करते हैं वो है फैक्टराइजेशन बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स। अर्थात हम लोग क्या करते हैं, एट फर्स्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइज करते हैं। कैसे फैक्टराइज करते हैं, एट फर्स्ट वी विल फैक्टराइज the given quadratic equation by the splitting of their middle term। middle term को क्या करते हैं हम लोग, स्प्लिट करते हैं उसके बाद। और ये स्प्लिट क्यों करते हैं, तो टू गेट टू लीनियर फैक्टर्स। हम लोग क्या करते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं, कैसे, तो बाय द स्प्लिटिंग ऑफ देयर मिडिल टर्म। उसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। और ये स्प्लिट क्यों करते हैं, टू गेट टू लीनियर फैक्टर्स, दो लीनियर फैक्टर्स प्राप्त करने के लिए। और जैसे ही हम लोग स्प्लिट करके उसको फैक्टराइज करते हैं तो दो लीनियर फैक्टर प्राप्त होती है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर दैट वी विल इक्वेट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल इक्वेट द ईच फैक्टर्स each factor to zero। जैसे ही हम लोग को quadratic equation को split करके factorize करने से दो linear factors प्राप्त हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उस प्रत्येक factors को, प्रत्येक linear factor को हम लोग क्या करेंगे, equate to zero, equal to zero करेंगे। After that we will equate the each factor to zero for findings finding the solution of the given quadratic equation। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही दो लीनियर फैक्टर प्राप्त हो जाते हैं प्रत्येक फैक्टर को इक्वल टू जीरो करते हैं, तो प्रत्येक फैक्टर हमको एक एक जीरो देती है। चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो डिग्री टू की एक तरह का पॉलिनोमियल होती है, इस कारण से उसके दो सॉल्यूशन होते हैं, या यूं कहें कि दो जीरोज होते हैं, या यूं कहें कि दो रूट्स होते हैं।
और प्रत्येक रूट्स को हम लोग यहाँ पे फैक्टराइज करके कैसे निकालते हैं, तो फैक्टराइज करके दो लीनियर फैक्टर्स प्राप्त हो जाते हैं, प्रत्येक फैक्टर को हम लोग इक्वल टू जीरो करते हैं, वहां से दोनों जीरो हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन मेथड से प्राप्त करने के लिए हम लोग इस स्टेप को फॉलो करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन लेकर के कि कैसे हम लोग इस मेथड को अप्लाई करते हैं। तो यहां पे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो जीरो बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने यहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको इसके सॉल्यूशंस को हम लोग को निकालने हैं बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए हम लोग देखें, तो पहले हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंसीडर करें, तो है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग पहले क्या करना है कि वी विल पहले जो करना है वी विल फैक्टराइज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन By the splitting of their middle terms। तो सबसे पहले हम लोग को इसको factorize करना है। कैसे करेंगे इसको factorize? तो by the splitting of their middle terms। सबसे पहले हम लोग क्या करने होंगे? उसके middle term को split करके उसको factorize करने होंगे। तो इसका middle term क्या है? Minus 5x। तो अब यहाँ पे middle term को split करने के लिए एक condition को follow करना पड़ता है। वो ये है कि जो quadratic equation का जो पहला term है 2x square, इस टर्म का जो कॉफिशियंट है यानी x स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है 2 और जो लास्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म कांस्टेंट है 3, इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला मल्टीप्लाई द कॉफिशियंट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म जो कि कांस्टेंट है, लास्ट टर्म कांस्टेंट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो पहला टर्म जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो और जो लास्ट टर्म कांस्टेंट है वो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पे जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 2 और लास्ट टर्म 3, इसको हम लोग कर लेते हैं, दैट इज क्या कर लेते हैं हम लोग 2 into 3 इज इक्वल टू 6। अब इसी कंसेप्ट के आधार पे हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। अब इसको हम लोग कर देंगे स्प्लिट करने कैसे करेंगे, तो जो मिडिल टर्म हमारा माइनस 5x है इसको दो पार्ट करेंगे इसका, और इस तरीके से करेंगे कि उस दोनों पार्ट का एडिशन या सब्सट्रैक्शन माइनस 5x आ जाए और उस दोनों पार्ट के कॉफिशियंट का मल्टीप्लीकेशन 6 आ जाए। तो चाहे तो हम यहां से इसको ले सकते हैं कि इस 6 को हम लोग दो पार्ट कर ले, तो जो कि हम जिसका एडिशन है सब्सट्रैक्शन ये 5 आ जाए, तो हम लोग कर सकते हैं इसका 2 into 3, तो 2 into 3 6 है मल्टीप्लाई होके और 2 plus 3 5 मिडिल टर्म आ जाएगा। तो इस मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट कर ले, द मिडिल टर्म क्या है माइनस 5x, तो माइनस 5x जो मिडिल टर्म है इसको हम लोग इसका दो पार्ट करें, तो यहां से ही दो पार्ट मिल जाएगा कि उस इसको इसका दो पार्ट हम लोग ले ले और उस दोनों पार्ट का जो एडिशन सब्सट्रैक्शन माइनस 5x आ जाए। तो इसका दोनों पार्ट क्या है, एक माइनस 2x और एक माइनस 3x। अब ये जो मिडिल टर्म है ये माइनस 5x, इसके दो पार्ट हो गए माइनस 2x माइनस 3x, उस दोनों पार्ट को ऐड करेंगे तो माइनस 5x माइनस 2x प्लस माइनस 3x इक्वल टू माइनस 5x, और इस दोनों पार्ट का जो कोफिशिएंट है इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 इंटू
माइनस थ्री इज इक्वल टू सिक्स। तो इस दोनों पार्ट का जो कॉफिशियंट है उस कॉफिशियंट का प्रोडक्ट सिक्स फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट के कॉफिशियंट के फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट के जो कॉफिशियंट है उसके प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। और इस दोनों पार्ट का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या आ जाना चाहिए, माइनस फाइव एक्स यानी मिडिल टर्म आ जाना चाहिए। तो ये माइनस टू एक्स प्लस माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स आ गया और इस दोनों का कॉफिशियंट सिक्स आ गया, जो कि फर्स्ट टर्म के कॉफिशियंट और लास्ट टर्म कॉन्स्टेंट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करें, टू एक्स स्क्वायर माइनस और फाइव एक्स के जगह पे इस दोनों इसके दो पार्ट जो हमने किया है उस दोनों पार्ट को लिख दें, माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स। तो क्या हो गया, माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स क्या होगा, माइनस फाइव एक्स और इस दोनों का प्रोडक्ट सिक्स जो कि फर्स्ट लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल हो गया, प्लस ये थ्री इज इक्वल टू जीरो, यानी माइनस फाइव एक्स का ये दो पार्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। दिस इंप्लाइज यानी कभी भी स्प्लिट करने के लिए कंडीशन को हमेशा फॉलो करना होगा कि जो मिडिल टर्म का जो स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को उस मिडिल टर्म का जो दो पार्ट होगा उस दोनों पार्ट का एडिशन सब्ट्रैक्शन मिडिल पार्ट आ जाए और उस दोनों पार्ट का के कॉफिशियंट का प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए। तो अब हम लोग क्या करें, यहां से जो कॉमन होने वाला है उसको कॉमन ले लें। तो यहां से 2x कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो क्या बचेगा यहां पे x और यहां से 2x कॉमन हो जाएगा तो यहां बचेगा माइनस वन। यहां से ये माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस थ्री कॉमन ले सकते हैं। माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा x और ये प्लस है, माइनस कॉमन ले रहे तो माइनस हो जाएगा, थ्री कॉमन हो गया तो यहां बचा वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, x माइनस वन, एक्स माइनस वन दोनों में कॉमन है तो हम लोग एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री तो इस तरीके से इक्वल टू जीरो। इस तरीके से क्या हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन था ये दो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा इस नियम के अनुसार यही टारगेट होता है कि वी विल फर्स्ट एट फर्स्ट वी विल फैक्टराइज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द स्प्लिटिंग ऑफ देयर मिडिल टर्म। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म को हम लोग इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करके क्या करेंगे टू गेट टू लीनियर फैक्टर्स। तो हम लोग टू लीनियर फैक्टर्स यहां प्राप्त कर लिए। उसके बाद आफ्टर दैट वी विल इक्वेट द इज फैक्टर टू जीरो फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों जो लीनियर फैक्टर्स हमको प्राप्त हुए हैं इस प्रत्येक फैक्टर को हम लोग करेंगे इक्वल टू जीरो। तो प्रत्येक फैक्टर इक्वल टू जीरो करेंगे, तो पहला फैक्टर इफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन इक्वल किस रहा है तो वन प्लस वन वन, तो एक्स इक्वल टू वन। अब दूसरा जो लीनियर फैक्टर है इसको फिर हम लोग इक्वल टू जीरो करें तो क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो देन टू एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री इक्वल किस रहा है तो प्लस थ्री देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू, ये टू इंटू एक्स है तो टू इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आकर डिवाइड हो गया तो एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू। तो फाइनल हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, यानी सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन is x is equal to पहला क्या है वन एंड थ्री बाई टू, दिस इज आंसर। तो इस तरीके से जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया x इक्वल टू वन एंड x इक्वल टू थ्री बाई टू। तो इस तरीके से हम लोग इस मेथड को अप्लाई करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग उसके सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो इसी कंसेप्ट के आधार पे एक्सरसाइज 4.2 के सभी सॉल्यूशन को करने हैं, सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करने हैं। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन किसके आधार पे, कौन सा मेथड यूज करके, तो सॉल्यूशन बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन किस मेथड से, बाय द यूज ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तो आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने साथियों को शेयर करेंगे। धन्यवाद।